अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन बुध कैसा रहेगा, 21 अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज हमल, मुश्किल की वजह से आप बगैर सोचे ही रद्द अमल को पेश कर देंगे। आम तौर पर अपने मकासद के बारे में काफ़ी ज़्यादा पुरजोश रहेंगे लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद के लिए आमदनी की कमी हो सकती है। किसी भी नतीजे के बारे में सोचे बगैर अपनी जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। माली लिहाज से बगैर किसी परेशानी के इकदामात करने की ज़रूरत है। कारोबारी लिहाज से फोकस में कमी होने की वजह से आप अच्छे मुआमलात को खो बैठेंगे। माली मुआहिदों के सिलसिले में मोहतात अंदाज अपनाने की ज़रूरत है। जिस पहचान के मुंतजिर आप थे वो आज आपको अल्लाह के फजल से हासिल हो जाएगी। बुर्ज सौर, आज इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद कुछ लोगों के कहने के बावजूद बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। दूसरों से मशवरे लेते हुए आप मुख्तलिफ तजर्बात हासिल कर सकते हैं। इनमें कोई शक नहीं है कि इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद तब्दीली का ज़्यादा अच्छा नहीं समझते लेकिन इसके बावजूद कुछ तब्दीलियां आपको अंदरूनी खुशी फराहम करेंगी। अपने काम के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए नए तरीक़ेकार को इख्तियार कर सकते हैं। निजी ज़िंदगी में आपके साथी की जानिब से हर लिहाज से सपोर्ट हासिल होगी। बुर्ज जौज़ा, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल पेश करेंगे। थोड़ी मुश्किल और ज़हनी तनाव एक साथ आपके लिए परेशानियों का बाइस बन सकते हैं। आज इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सेहत के नाजुक सूरतहाल से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारना आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। मोहब्बत के मामलों में आप तवज्जो का मरकज बने रहेंगे। मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान और सुकून हासिल हो सकता है। इस वक्त ख़ानदानी ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाएंगे और पुरअमन माहौल को फ़रोग देंगे। बुर्ज सरतान, आप बहुत सारे काम अपने दिल से करते हैं, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं सोचते। आज के दिन आप तवज्जो का मरकज बने रहेंगे लेकिन आपको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और इस बुरज से मुंसलिक ज़्यादातर अफराद अपने जज्बात में ही डूबे रहेंगे। सियारवी महारकात की वजह से आप तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहेंगे। कुछ मामलों में आपकी असासियत काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है। अपनी खुशियों को आप दूसरों पर इन्हिसार नहीं कर सकते और माली लिहाज से गलत फहमियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। बुर्ज असद, इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद आला ज़र्फ़ के मालिक हैं और बहुत देर तक अपने दिल में ही बात रखते हैं। यही वजह है कि अपने दोस्तों के लिए आप
काफ़ी ज़्यादा वफादार रहेंगे। अपने ख़ानदान वालों और प्यारों की जानिब से मिलने वाले प्यार और हमदर्दी को मद्देनज़र रखते हुए आसानी से माफ़ कर देते हैं। स्यारा कमर की बुरज होत में दाखली आपको काफ़ी ज़्यादा सखावती बनाएगी। आपको पहले अपने गुस्से को कम करते हुए इकदामात करने की ज़रूरत है। आज आपका ख्वाब अपने लिए अहम मकासद को हासिल होगा। इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करें जो कि आपको ख्वाबों के करीब तरीन ले जा सकते हैं। बुरजे सुंबला, स्यारा कमर की बुरज हौत में दाखली आपके मिजाज को ख़राब करने में अहम करदार अदा करेगी। जिन भी मंसूबों पर आप काम कर रहे हैं उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सख्त मेहनत करें। तेज़ दिमाग के साथ इन तमाम मसाइल का हल तलाश करना शुरू करें जिनका हल दूसरे आसानी से नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करेंगे आसानियां आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगी। आप में से कुछ लोग मुश्किल दौर में से गुजरेंगे क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ बड़ी कश्मकश वाले हालात गुजरेंगे। बुरजे मिजान, आज मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आप हम आहंग होंगे। आपके पास अपने तल्लुकात को आगे बढ़ाने के वसाइल हैं। अगर हद से ज़्यादा अपने ख्यालात का इजहार दूसरों के सामने करते हैं तो आप खुद को तनकीद करने के लिए सबके सामने पेश करते हैं। मोहब्बत के मामले में आपको इत्मीनान हासिल होगा। आज अपनी सच्चाई को लोगों के सामने लाने में नहीं हिचकिचाएंगे। सियारवी महरकात आपको खुद का दिफा करने की सलाहियतें फराहम करेंगे। बुरजे अकरम, आज किसी भी मामले का तजिया करने में मत हिचकिचाएं। अपने मकासद की तकमील के लिए तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। एक बेहतरीन साथी की जानिब से अच्छा मशवरा दिया जाता है। प्यारों की तरफ से कारोबारी मामलात में आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। आपके मंसूबों और नज़रियात की तरफ से कारोबारी मामलात में आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। आपके मंसूबों और नज़रियात हर एक को मुतासिर करने का बाइस बनते हैं। साथी की गलतियों पर कोई भी रद्दे अमल ना देना ही आपके लिए बेहतर होगा। बुरजे कौस, आज का दिन आपके लिए मुकम्मल तौर पर सुकून दार रहेगा। पुरसकून रहना आपको मजबूत करता है। अपनी ज़िंदगी से आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपने अंदर तलाश करें। अंदरूनी खूबी का एहसास आपको बहुत से नज़रियात को आगे बढ़ाने में मदद देगा। वाज़ह तौर पर अपने मकासद की तकमील के लिए ये एक मसाले दिन है। मुतासर कुन सूरत हाल आपके सामने है, मुस्बत रहने की ज़रूरत है। बुरजे जदी, आज आप अपने रिश्तेदारों के साथ एक मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। अपनी गलतियों को मान लेना ही हिम्मत वाला काम होता है जो कुदरती तौर पर इस बुरज से मुंसलिक अफराद में ही पाया जाता है। दूसरों के साथ अपने काम का मुआयजना ना करें। आज का दिन तख्लीकी लिहाज से आपकी हौसला अफजाई करेगा। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको मुमकिन तौर पर हदूद को पार करना होगा।
तमाम मामलों आपको मोहतात रहना ज़रूरी होगा। किसी भी मनफी चीज़ पर मुत्तफिक ना हो आपके लिए मुफीद नहीं रहेगा। बुर्जे दिलू, आज आप गैर मामूली चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया करेंगे। खुद पर भरोसा करना आपके लिए मुफीद रहेगा। मनफी राय रखने वालों लोगों से आपको दूर रहना होगा। आपको तल्लुकात के म्यार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने प्यारों और बेहतरीन मकासद के लिए खुद को मुश्किल सूरत हाल में डाल सकते हैं। ज़हनी सुकून आपके माहौल को खुशगवार बना देगा। नए रबते बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुर्ज हौत, आज बुर्ज हौत से मुंसलिक अफराद ज़िंदगी के कुछ मामलात में नहीं आगे बढ़ सकेंगे। ये आपको परेशान कर सकता है। चंद पेचीदगियों से गुजरना पड़ेगा जो कि आपके असाब को कमज़ोर कर सकता है। खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें। आपके गिर्द कुछ लोगों की तरफ से कई गलतियों को आज आप माफ़ कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। निजी ज़िंदगी में साथी भी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।